वेलकम बैक टू जीपैट 2024 क्रैश कोर्स बाय केपीस फार्माकोपिया। सेशन 13 में हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA, BLA, IND। अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, अबाउट बायो इक्विवेलेंट, अबाउट फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, उन्हें हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, थेराप्यूटिकली अल्टरनेटिव ड्रग्स, थेरापूटिकली इक्वेलेंट ड्रग्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है। ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीपैट 2019, जीपैट 2017 में क्वेश्चंस पूछे गए थे बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल इक्वेलेंट, बेस्ड ऑन बायो इक्वेलेंट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी फार्मास्यूटिकल इक्वेलेंट मतलब क्या? अगर हमारे पास दो और मोर मेडिसिन है जिनका सेम API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिनका सेम स्ट्रेंथ है, जिनका सेम डोसेज फॉर्म है, जिनका सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन दोनों मेडिसिन को हम कहेंगे फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट मेडिसिन है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो हम पैरासिटामोल का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे इजी। ओके, अगर हमारे पास दो ड्रग्स है, एक कंपनी का ड्रग है ए, दूसरे कंपनी का ड्रग है बी। अगर पैरासिटामोल पहला आता है सेम API, सो पैरासिटामोल है ए के पास, दूसरे के पास भी पैरासिटामोल है। ए का जो स्ट्रेंथ है सपोज 500 mg स्ट्रेंथ है, तो बी का भी 500 mg स्ट्रेंथ होगा। डोसेज फॉर्म मतलब टैबलेट। सो अगर डोसेज फॉर्म टैबलेट है ए का, बी का भी टैबलेट होगा। सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ए का ओरल रूट है, बी का भी ओरल रूट है। तो इन दोनों मेडिसिन जो ए और बी है उन्हें हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट मेडिसिन है। समझ में आया? अभी फार्मास्यूटिकली अल्टरनेटिव मतलब क्या? अगर हमारे पास दो मेडिसिन है, दो से ज्यादा मेडिसिन है जिनका सेम थेराप्यूटिक मॉइटी है बट डिफरेंट सॉल्ट है, डिफरेंट एस्टर से, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, तो हम उन्हें बोलेंगे फार्मास्यूटिकली अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन। अभी टेट्रासाइक्लिन सेम मॉइटी है मगर उसका डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म, डिफरेंट एस्टर फॉर्म हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म है। सो ऐसे अगर सेम ड्रग मॉइटी है विच इज टेट्रासाइक्लिन बट उसके दो सॉल्ट फॉर्म हो सकते हैं, एक फॉस्फेट हो सकता है, दूसरा हाइड्रोक्लोराइड हो सकता है, तो इन दोनों ड्रग्स को, इन दोनों मेडिसिन को हम कहेंगे फार्मास्यूटिकली अल्टरनेटिव। ओके, अनदर एग्जाम्पल दिया जाए तो क्लोरामफेनिकॉल का है, या बहुत सारे का एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अभी याद नहीं आ रहे, मगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ऑफ बायो इक्वालेंट। हमने प्रीवियस सेशन 13 में भी देखा बायो इक्वालेंट मेडिसिन किसे कहा जाता है। इफ फार्मास्यूटिकली इक्वालेंट मेडिसिन हो या फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव मेडिसिन हो जो सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी दिखाएंगे उन्हें हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंट। मतलब अगर हमारे पास ए ड्रग है, हमारे पास बी ड्रग है, अगर ए ड्रग का सीमैक्स बी और AUC सिमिलर रहेगा बी ड्रग के साथ, तो हम कहेंगे उसे बायो इक्विवेलेंट। सी मैक्स मतलब मैक्सिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैक्सिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सपोज 500 mg, बी का भी 500 mg रहेगा, तो वो सिमिलर हो गया। AUC एरिया अंडर कर्व, जो टाइम प्रोफाइल, जो प्लाज्मा, जब ये प्लाज्मा प्रोफाइल है, इधर टाइम रहता है, इधर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ये प्लाज्मा प्रोफाइल है, मतलब ब्लड ड्रग जो ड्रग है वो बॉडी में कैसे मूव होता है, कैसे कितना उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो उसे बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, दिस इज AUC। मतलब इतना ड्रग प्रेजेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स जर्नी इन आर ब्लड, तो उसे बोलेंगे एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व कितना है ए का, अगर वो सिमिलर रहेगा बी के साथ तो हम दोनों को बोलेंगे वो बायो इक्विवेलेंट है, मतलब सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी दो फैक्टर से हम डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट इज रेट एंड सेकेंड इज एक्सटेंट। रेट हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन सी मैक्स, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन या टी मैक्स, और एक्सटेंट हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन AUC, दैट इज एरिया अंडर कर्व। अभी ये तो हो गए बायो इक्वालेंट।
अभी थेराप्यूटिकल इक्वालेंट मेडिसिन मतलब क्या, अगर मेडिसिन सेम क्लिनिकल इफेक्ट देते हैं और सेम सेफ्टी प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं थेराप्यूटिकल इक्वालेंट। और उसका ही अल्टरनेटिव है, थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव किसको बोलेंगे, अगर डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स है बट वो सेम इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे थेराप्यूटिकली अल्टरनेटिव। ओके, सपोज एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन, दो डिफरेंट केमिकल मॉइटीज है मगर उनका दोनों का जो इफेक्ट रहेगा वो सिमिलर रहता है बिकॉज उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर रहता है, तो उसे बोलेंगे हम थेराप्यूटिकली अल्टरनेटिव मेडिसिन। सो ऐसे पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट जिसमें एपीआई स्ट्रेंथ डोसेज फॉर्म रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर रहेगा। फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव मतलब उसका मॉइटी सेम रहेगा मगर उसका सॉल्ट फॉर्म डिफरेंट रहेगा। बायो इक्वेलेंट मतलब दो फार्मास्यूटिकल इक्वेलेंट मेडिसिन से जिनका बायो अवेलेबिलिटी सेम है तो हम उन्हें कहेंगे सिमिलर बायो इक्वेलेंट। अभी बायो इक्वेलेंट मतलब थेरेप्यूटिक इक्वेलेंट भी हो गए, मतलब उनका सिमिलर क्लिनिकल इफेक्ट और सेफ्टी प्रोफाइल है, और थेरेप्यूटिक अल्टरनेटिव मतलब दो डिफरेंट केमिकल मॉइटीज है मगर उनका इफेक्ट सेम रहेगा तो उन्हें हम कहेंगे थेरेप्यूटिक अल्टरनेटिव्स। इसी कंसेप्ट में से जीपैट 17 और 20 में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ड्रग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन सेम थेरेप्यूटिक मॉइटी बट डिफरेंट सॉल्ट एस्टर्स और कॉम्प्लेक्सेस, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स बिकॉज सेम मॉइटी है डिफरेंट सॉल्ट एंड फॉर्म है। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट मतलब सेम क्लिनिकल इफेक्ट, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस मतलब सेम एपीआई डोसेज फॉर्म रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेंथ। थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव मतलब क्या, सेम मॉइटी बट डिफरेंट इफेक्ट, सॉरी डिफरेंट मॉइटी, सॉरी सॉरी थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट मॉइटी और सेम इफेक्ट इज थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव्स। जीपैट 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि व्हेन टू ब्रांड्स ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट गिव्स सेम क्लिनिकल रिजल्ट्स, अभी सेम क्लिनिकल रिजल्ट्स देंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट ड्रग्स। सो ये था कंसेप्ट अबाउट वेरियस टर्मिनोलॉजीज, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिंस। सो अभी सेशन 15 में हम पढ़ने वाले अबाउट बायो अवेलेबिलिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन, कि बायो अवेलेबिलिटी हमने इन शॉर्ट देखा कि उसका मतलब क्या, रेट और एक्सटेंट सिमिलर होना चाहिए तो वो बायो अवेलेबल, बायो अगर बायो इक्वेलेंट का कंसेप्ट देखा जिसमें अगर बायोबिलिटी सेम है तो उसे हम बोलते हैं बायो इक्वेलेंट। अभी बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या तो वो हम पढ़ने वाले हैं, और उसे हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, देर आर डिफरेंट मेथड्स, एक तो हो गया प्लाज्मा से और दूसरा हो गया यूरिन से, ये तो हो गए फार्माकोडायनामिक मेथड्स, और एक रहता सॉरी फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स, और फार्माकोडायनामिक मेथड्स भी रहते हैं जिसमें हम उसका क्लिनिकल इफेक्ट देखते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम बायो अवेलेबिलिटी मेजर कर सकते हैं, और इसी के ऊपर जीपैट 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम सॉल्व करेंगे इन सेशन 15। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।